हेलो दोस्तों, अभी सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस वीडियो को देखने के लिए। अब यार देखो, आज बिजमाई और पबजी मोबाइल दोनों के अंदर आज तक का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट आ चुका है और इस इवेंट के अंदर आप लोगों को इतने गजब गजब के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में और परमानेंट। आप लोगों को एक नहीं चार चार रिमोट फ्री में मिलने वाले हैं और वो भी परमानेंट। उसके साथ साथ आप लोगों की ये यूएच की स्किन फ्री में, कंपेनियन, इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं, M4 की स्किन, मतलब क्या क्या है। और जो आप लोग मिरर वाले में कैरेक्टर देखने को मिलते हैं ना, जो आप लोग ऊपर जाते हो आसमान में और वहां पे आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, वो कैरेक्टर भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में और परमानेंट मिलने वाले हैं। तो यार कैसे लेना है आज की इस वीडियो में सारे सारा इवेंट एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस इवेंट को पूरा कर सकते हो। तो यार आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर से देखना, आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे और जा करके आसानी से सारे सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर पाओगे। और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। चलो आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ले चलूंगा इवेंट में। तो इवेंट में आप लोग जाने के लिए सिंपल से जो इवेंट चलते रहते हैं तो ऊपर वाले इवेंट में आप लोग सबसे ऊपर यही इवेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ही आप लोग देख सकते हो अबाउट द इवेंट। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ जो है चीजें जो आप लोग टाइम लिमिटेड दिखा रही है और कुछ जो है परमानेंट दिखा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैं आप लोग परमानेंट जो चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ये जो आप लोग इमोट है ना, जितने भी इमोट हैं ये सारे सारे आप लोगों को परमानेंट मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ ये हेलमेट की स्किन आप लोग परमानेंट है, उसके साथ साथ ये स्टन ग्रेनेड की स्किन आप लोग परमानेंट है, और ये जो आप लोग कैरेक्टर है और जो ये M4 की स्किन है और ये कैरेक्टर उसके साथ मॉली की स्किन, बैकपैक की स्किन और ये हावर बोर्ड, ये भी आप लोगों को परमानेंट मिल सकते हैं। अब कैसे मिलेंगे वो मैं अभी आप लोग बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे अपना जो इवेंट है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इस इवेंट के बारे में आप लोग पूरा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो इवेंट है आप लोगों को पूरा पांच फेस में, अब यहाँ पे देखो ये सबसे पहला फेस है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड, उसके बाद यहाँ पे थर्ड, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ और ये रहा हमारा फिफ्थ। तो यहाँ पे अब चलो इसको हम लोग बैक करते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इवेंट से। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फेस है इसके आप लोग करने के लिए इसके जो रिवॉर्ड्स हैं सबसे पहले उनको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो रिवॉर्ड्स आप लोग लेने कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग जैसे इस इवेंट को ओपन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पहले ही जैसे आप लोग इवेंट को ओपन करते हो आप लोग सिंपल से यहाँ पे रिवॉर्ड कलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग सिंपल इस पे क्लिक करना और आपके जो रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स हैं देखो, स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द इवेंट टू अपग्रेड द रिवॉर्ड्स टू परमानेंट रिवॉर्ड्स। अब ये जो रिवॉर्ड्स हैं आप लोग इन रिवॉर्ड्स को परमानेंट रिवॉर्ड्स में भी चेंज कर सकते हो, यानी कि जो एक कैरेक्टर है उसके साथ जो M4 की स्किन है अगर आप लोग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो ये आप लोग टाइम लिमिटेड अभी 3 दिनों तक मिली है, लेकिन अगर आप लोग इसको चाहो तो परमानेंट भी ले सकते हो। अब कैसे लेना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले तो आप लोग करना कि आप लोग सिंपल जैसे यहाँ पे कलेक्ट करना है अपग्रेड नाउ पे क्लिक करना, उसके बाद जैसे आप लोग अपग्रेड नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग सिंपल से इस इवेंट के अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पे आप लोग को ये जितने सारे रिवॉर्ड्स दिखने को मिल रहे हैं, आप लोग कैरेक्टर कितना कूल है, उसके साथ साथ ये हावर बोर्ड तो आप लोग पता ही होगा, उसके साथ साथ ये आप लोगों को ऑर्नामेंट है, उसके साथ साथ ये वाला कैरेक्टर, उसके साथ साथ ये बैकपैक, ये जो ग्रेनेड की स्किन है ये हमारी बैकपैक की स्किन है शायद से, नहीं ये बैकपैक की स्किन नहीं है शायद, उसके बाद ही हमारा ये वाला कैरेक्टर और ये M4 की स्किन। चलो M4 की स्किन इतनी ज्यादा कमाल की है, अगर ये अपग्रेडेबल होती तो बहुत ज्यादा कमाल की लगती, लेकिन लुक इसका बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स आप लोग ले सकते हो बिल्कुल परमानेंट, जी आप लोग परमानेंट ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी यूसी स्पेंड करनी पड़ेगी। थोड़ी सी यार काफी ज्यादा ही है, 3000 UC आप लोग को स्पेंड करनी पड़ेगी और 3000 UC में जितनी चीजें आप लोग दिखाई दे रही 9 की 9 चीजें आप लोगों को परमानेंट मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग पास 3000 UC हैं तो ही आप लोग स्पेंड करना, और मतलब कि आप लोग 3000 से ज्यादा ही हैं और आप लोग पास मतलब कि होता है कि हाँ चलो इतनी चीजें हमें कमाल कमाल की मिल रही हैं तो उनके लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं, अगर आप लोग लगता है ऐसा तो ही खर्च करना, वरना आप लोग इसको छोड़ दो, आप लोग अभी इसको छोड़ो और आप लोगों को ध्यान देना है जो हमें फ्री में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग चलता हूँ यहाँ पे। अब देखो मैं तो यार इनको नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उतनी यूसी नहीं है, उतने रुपए नहीं है, लेकिन हाँ चलो फ्री में भी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा कमाल कमाल के हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब देखो आप लोग एक्सप्लोरेशन पॉइंट चाहिए होंगे आगे के रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। अब ये जो एक्सप्लोरेशन पॉइंट आप लोग मिलेंगे कैसे मैं आप लोग बताता हूँ। अब देखो एक्सप्लोरेशन पॉइंट को आप लोग कलेक्ट करने के लिए सिंपल सा आपको क्लासिक मैच खेलने हैं, और जैसे आप लोग क्लासिक मैच खेलोगे, मिरर वर्ल्ड खेलोगे, अच्छी रैंकिंग लाओगे, अच्छी किल करोगे तो आप लोग जो एक्सप्लोरेशन पॉइंट है ज्यादा ज्यादा मिलते रहेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को सिंपल सा ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन पॉइंट को कलेक्ट करने में मदद करेंगी। अब यहाँ पे चलो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे यहाँ पे जो हमारे रिवॉर्ड है इसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप लोग पास 99 एक्सप्लोरेशन पॉइंट हो गए तो आप लोग 500 BP जो है मिल जाएगी, और लेकिन अगर आप लोग अनलॉक अभी करना चाहते हो तो आप लोगों को यूसी लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो इमोट है,
अब इसको आप लोगों को 199 एक्सप्लोरेशन पॉइंट चाहिए इस वाले इमोट को परमानेंट लेने के लिए। लेकिन अगर कोई चाहता है, मतलब कि आप में से कोई चाहते हो कि आप लोगों को जो इमोट है वो अभी अभी चाहिए बिल्कुल, तो आप लोग सिंपल से अनलॉक नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद 199 यूसी का आप लोग परचेज करना होगा, ठीक है। तो लेकिन यार आप लोग इसको स्पेंड मत करो, आप लोग आराम से कछुए की चाल चलो, खरगोश की चाल मत चलो, आप लोग कछुए की चाल चल के हम लोग धीरे धीरे सारा कुछ कलेक्ट कर लेंगे जब फ्री मिल रहा है, तो फालतू में यार यूसी स्पेंड करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड रिवॉर्ड है ये हमें 20 एजी करेंसी दे रहा है, उसके बाद हम लोगों को जो फोर्थ रिवॉर्ड है ये हमें ऑर्नामेंट टाइम लिमिटेड मिल रहा है, फिफ्थ में हम लोगों को यहाँ पे 3 जो है क्रेट मिल रही है शायद से, और उसके बाद ये हमारा चौथे पे 500 बीपी, उसके बाद ये हमारा चौथे नंबर पे रहा ये हमारा इमोट, उसके बाद चलो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट फेज। अब मैं आप लोग सेकंड पे ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग 799 एक्सप्लोरेशन पॉइंट पे 500 बीपी, उसके बाद यहाँ पे टीयर प्रोटेक्शन कार्ड ये ऑर्नामेंट है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग काफी सारे रिवॉर्ड्स हैं यार ढेर सारे, अब मिले आप लोग क्या क्या दिखा सकता हूँ आप लोग, पर यार जल्दी जल्दी देख लो वरना आप लोग टाइम फालतू में इसमें बर्बाद होगा। और यहाँ पे देखो 1499 एक्सप्लोरेशन पॉइंट में आप लोगों को ये टाइप जो परमानेंट आप लोगों को हेलमेट है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यार मेन मेन रिवॉर्ड्स में आप लोग जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 1699 में आप लोगों को ये टाइम लिमिटेड यहाँ पे कैरेक्टर मिलने वाला है, उसके बाद और आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी जो मेन चीजें हैं, यहाँ पे हावरबोर्ड मिलने वाला है, उसके बाद ये आप लोगों, और यहाँ पे आप लोगों को 2199 एक्सप्लोरेशन पॉइंट पे आप लोगों को वन डे का जो रूम कार्ड है शायद से वो मिलने वाला है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखो आप लोग जब 2299 एक्सप्लोरेशन पॉइंट कर लोगे तो आप लोगों को यहाँ पे इमोट मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग काफी जो है रिवॉर्ड्स यहाँ पे भी मिल रहे हैं, आप लोग देखते रहना जल्दी जल्दी, और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। और तो यहाँ पे ईस्टर्न ग्रीन आप लोग परमानेंट मिलने वाला है 3099 एक्सप्लोरेशन पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा, अब ये बचा रहा हमारा लास्ट, तो यहाँ पे आप लोग दिखा देता हूँ, तो ये मौली की स्किन है और उसके साथ साथ यहाँ पे काफी चीजें है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका अगला रिवॉर्ड, उसके बाद यहाँ पे टाइम लिमिटेड कैरेक्टर, उसके बाद ये आप लोगों को 10 साइज से क्रेट स्क्रेट है या फिर स्क्रैप ये मुझे नहीं पता है यार, और यहाँ पे देखो 3799 में इमोट मिल रहा है, उसके बाद ये आप लोगों को कैरेक्टर जो है जो मिथिक आउटफिट है ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये देखो ये जो मिथिक आउटफिट है ये आप लोगों को मिलना कैसे, अब ये देखो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके लिए आप लोग एक्सप्लोरेशन पॉइंट चाहिए, अब यार देखो आप लोग इस चीज का फंडा समझो, अब यहाँ पे देखो आप लोग जैसे ही आप लोग इस वाले इमोट तक पहुंच गए, मतलब कि लास्ट फेज के आप लोग इस इमोट तक पहुंच गए, तो आप लोग सारे सारे रिवॉर्ड जो आप लोगों ने कलेक्ट कर लिए। अब मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि आप लोगों को यूएच की स्किन मिलेगी, उसके साथ साथ आप लोग कंपेनियन मिलेगा, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो आप लोगों को मिथिक आउटफिट है उसके साथ जो कैरेक्टर है ये आप लोगों को फ्री में और परमानेंट मिल सकता है, उसके साथ साथ ये यूएच की स्किन आप लोग देख लो, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग ये देख लो एकेएम की स्किन जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, उसके साथ साथ ये रहा हमारा कंपेनियन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में बात करी थी। अब यहाँ पे सिंपल से ये देखो कितना क्यूट सा कंपेनियन है, और ये आप लोगों को लेने के लिए करना क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये अपनी क्रेट है जिसमें कि आप लोग काफी सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, अब यहाँ पे अगर आप लोग किस्मत रही तो आप लोग जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अब यहाँ पे अगर आप लोग किस्मत रही तो आप लोग जो क्रेट है क्रेट ओपनिंग करके इसमें से कोई भी परमानेंट आइटम को निकाल सकते हो, और अगर आप लोग कोई भी आइटम निकले परमानेंट तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना करके, खैर अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तो ये जो इवेंट है 2 महीने तक चलने वाला है, मतलब कि 1.5 महीने चलने वाला है, 2 महीने में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अब यहाँ पे जो टाइम स्टार्ट हुआ है 23 तारीख से और चलेगा 3 जनवरी तक, तो यार ऑलमोस्ट आप लोग 1.5 महीने टाइम मिलने वाला है, अब 1.5 महीने में आप लोगों को इतने सारे जो एक्सप्लोरेशन पॉइंट है वो कलेक्ट कर लिए हैं। अब देखो आप लोगों ने इस क्रेट को देख लिया, लेकिन आप लोगों को अभी भी डाउट होगा कि भाई इस क्रेट की हम लोग ओपनिंग कैसे करेंगे, हमारे पास तो इसकी कोई क्रेट ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आप लोग जितने भी एक्सप्लोरेशन पॉइंट कलेक्ट करोगे तो आप लोग यहाँ तक आने में यानी कि इस इमोट को कलेक्ट करने के लिए आप लोग 3799 एक्सप्लोरेशन पॉइंट जो है आप लोगों को लगेगा। अब आप लोगों ने 3799 एक्सप्लोरेशन पॉइंट कलेक्ट कर लिए, अब उसके बाद आगे जितने भी एक्सप्लोरेशन पॉइंट आप लोग कलेक्ट करोगे उनकी क्रेट बनेगी, और उनकी क्रेट बना करके आप लोग ये वाली जो क्रेट्स हैं इनकी ओपनिंग कर पाओगे, और उसके बाद आप लोग जितने चाहो यहाँ पे क्रेट ओपनिंग कर पाओगे, जितने ज्यादा आप लोग एक्सप्लोरेशन पॉइंट ले लोगे उतने ज्यादा आप लोग यहाँ पे क्रेट ओपनिंग कर पाओगे, और फिर अगर आप लोग किस्मत रही तो ये जो आप लोगों की स्किन्स हैं और ये जो कंपेनियन है, भाई अगर आप लोग कंपेनियन किसी की निकला तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना, बहुत ही ज्यादा कमाल का कंपेनियन है ये, और ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि भाई जैसे ये जो इवेंट है, अब हमें लोगों को 3 दिन के ये शुरू मिल रहे हैं, जैसे टाइम लिमिटेड सामान मिला हम लोगों को, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डायरेक्ट इन्वेंटरी चले गए। अब यहाँ पे जो हमें M4 की स्किन मिली, अभी हम लोगों को टाइम लिमिटेड है 3 दिन की, अब यहाँ पे अगर मैंने 3 दिन इस M4 को यूज किया, अब 3 दिन M4 यूज करने के बाद तो ये खत्म हो जाएगी, मतलब इसका जो टाइम लिमिटेड है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं 1 हफ्ते बाद इसको चाहूँ कि अब अगर मैं परमानेंट लेने चाहूँ सारे आइटम, तो क्या मैं ले सकता हूँ? तो यार देखो इसका आंसर है डायरेक्ट
सब्जेक्ट हाँ, कि आप लोग जो आइटम है जब तक इवेंट चल रहा है तब तक अगर आप लोग बीच में चाहे आपका टाइम लिमिटेड खत्म हो गया हो उसके अंदर 3 दिन का आप लोगों ने यूज कर लिया हो, लेकिन जब तक इवेंट चल रहा है तब तक आप लोग इस आइटम को कभी भी अपग्रेड करके पूरा परमानेंट ये सारे आइटम को ले सकते हो। तो यार ये था हमारा इवेंट जिसका की नाम है आइसलैंड डिस्कवरी। अब यार देखो ये आइलैंड डिस्कवरी वाला जो इवेंट है ये आप लोग सिंपल से आर्केन के द्वारा आप लोगों को गेम के अंदर लाया गया है और ये आज तक का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है बीच में और पबजी के अंदर, वो तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा क्योंकि इसमें एक नहीं चार चार आप लोगों को आउटफिट यहाँ पे एक नहीं आप लोग चार चार इमोट मिल रहे हैं उसके साथ यूएस केस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को मिल सकती हैं। तो यार यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आप लोग जो सारे सारा इवेंट से रिलेटेड डाउट हो गए और जो आप लोग क्वेश्चन होंगे वो आप लोग क्लियर हो गए होंगे और अब जा करके आप लोग आसानी से इवेंट को स्टार्ट कर सकते हो। और बिल्कुल सिंपल सा इवेंट है, आप लोग गेम खेलना है उसके बाद रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने हैं, कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं, इतना आसान इवेंट है। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो जल्दी से लाइक कर दो और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।